बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। तो सुबह का टाइम था, बेटा मेरा सो रहा था, और प्लीज़ बेडशीट की तरफ कोई कमेंट मत करिएगा क्योंकि मैंने वॉश करने के लिए डाली हुई है। तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले आटा गूंदने के लिए मशीन में डाल दिया। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की वन ऑफ़ द बेस्ट परचेजेज़ में इस मशीन का नाम लूँ तो गलत नहीं होगा। इतनी आसानी हो गई है, बस इसके अंदर आटा डालती हूँ, नमक डाल के थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं 3 डिफरेंट साइड से पानी डाल के वह छोड़ देती हूँ और आटा गूंद जाता है। और इतना परफेक्ट, ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का आटा गूंदता है। और इसको आप उसी टाइम भी पकाना चाहें तो पका सकते हैं। तो मैंने साथ ही नाश्ता बना लिया था क्योंकि बेटा मेरा सो रहा था, तो मैंने नाश्ता बना लिया और उसके बाद उसको मैंने उठाया था। नाश्ते में जस्ट मैं और मेरा बेटा अकेले ही होते हैं, और आज काम भी बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से भी मैंने बस जल्दी जल्दी पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने फिर अपने बेटे को उठाया। आज किचन देख सकते हैं आप, मेरे किचन की कुछ चेंजेस मैंने की हैं, आज मैं आपको शो करती हूँ। कुछ चेंजेस प्रीवियसली मैंने कर ली थी, लेकिन उसको मैंने वीडियो कैंड में डाला है कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ, तो मैं या तो घर में किसी को बुला के काम करवाना या सामान उठा के बाहर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए अकेले सब चीज़ें करना। तो मैंने जो है ख़ुद ही करना सीखा है, यानी यूजुअली मेरी ट्राई होती है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के ख़ुद ही करूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शीट्स ऑर्डर की थी और वो आज हम इंस्टॉल करेंगे। और आज मैंने एक कढ़ी बनाई थी, कढ़ी पकौड़ा, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर लेनी है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी है। तो प्रीवियस जो हमारे किचन का लुक था वो कुछ इस तरह था कि मैंने शीट्स को जगह जगह से जला दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये हीट रेजिस्टेंट है कि नहीं है। पहले इस पर मेंशन था कि हीट रेजिस्टेंट है, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं निकली। तो मैं न्यू शीट्स लेकर आई हूँ और एल्युमिनियम फॉइल लेकर आई थी अपने चूल्हे के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि बार बार साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो हम चूल्हे के इंस्टॉलेशन के साथ जो है साथ में अपने चूल्हे का बटन है ये चेंज करना है मैंने आज, क्योंकि मैं वही अगेन बता रही हूँ, किसी को घर में बुलाना और या फिर चूल्हे उठा के बाहर जाना, मुझे दोनों काम ही ठीक नहीं लगते हैं। तो ये आज हम खुद ही बटन चेंज कर रहे हैं। मैंने सारा खोल लिया था, इसके बाद इसकी सफाई करी है, और इसके अलावा ये बटन जो है ये अब बाहर मार्केट से मैं ढूंढने गई तो मुझे इसका सेम साइज़ का बटन नहीं मिला, प्लस इसके बैक का प्लास्टिक भी नहीं मिला, तो हमें मिला ये छोटू बटन, हम ये यूज़ करने लगे हैं। साथ ही काफ़ी टाइम हो चुका था और शदीद भूख लग रही थी, तो हमने समोसा इंजॉय किया अपनी हल्की फुल्की भूख में। और साथ ही मैंने यहाँ पर बटन्स को खुद ही कर लिया था, इस काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, किसी को यकीन ना आ रहा हो कि मैंने खुद किया है, तो इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा हाथों को शो कर रही हूँ कि देखिए क्या हाल हो चुका है मेरे हाथों का। साथ ही एल्युमिनियम फॉइल जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये नीचे से इंस्टॉल करेंगे, जो आपके चूल्हे के जहाँ से आग आती है उसके नीचे से इंस्टॉल करेंगे तो चूल्हा अच्छे से आपका जो है साफ़ रहेगा। बस नेक्स्ट टाइम आपने एल्युमिनियम फॉइल को जो है रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जो है सेट कर लिया था अपना, और इसका बटन भी सेट हो चुका है, अब इसको चेक करेंगे कि आइदर ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। इससे पहले हम शीट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव शीट्स होती हैं, सिंपली आपने इसको प्रेस करते जाना है, बस आपकी सरफेस जो है ऑयली ना हो और गीली ना हो। और इसकी स्टिकिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी स्टिकिंग पावर, बस इसलिए बस इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, साथ कपड़े के साथ आप रब करते जाएं ताकि अच्छे से आपकी जो सरफेस है उस पर स्टिक करती जाए। ये आई थिंक 210 रुपीज़ की एक आई थी, मैंने अपनी मार्केट से ही परचेज़ की है, ये मैंने दराज से नहीं मंगाई, क्योंकि दराज में 130 के 140 रुपीज़ तो आप डिलीवरी पे करते हो एक आइटम के ऊपर, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं डिलीवरी साथ पे करती रहूँ और साथ में फिर एक शीट के पीछे 130 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। नहीं, मेरी मार्केट में मुझे डिज़ाइन नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मंगा लिया शीट, और हमारी एल्युमिनियम फॉइल हो चुकी है। अब ये जो बैक की आपको वॉल नज़र आ रही है, इसके लिए मैंने दराज से मंगाई है एक शीट्स, अभी थोड़ी सी रेनोवेशन की है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहूँगी और साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। अब इसके लिए मैंने ये शीट्स मंगाई थी दराज से, ये 199 की थी, शीट्स थी, 24 पीसेस थे छोटे छोटे, और इसकी डिलीवरी 130 रुपीज़, 138 के 140 इस तरह कुछ थी, वो डिलीवरी पड़ गई थी मुझे, तो इस वजह से मैं दराज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती डिलीवरी के साथ, जो सस्ते से सस्ता चीज़ भी है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। खैर, जब मैंने इसको देखा तो ये सिंपल पेपर का था, उसके ऊपर एक शीट थी, लेकिन जैसा वो सेल्फ एडहेसिव शीट जो मैंने आपको दिखा गया उस तरह की कोई मुझे लग रहा था होगी, लेकिन नहीं, वैसी कुछ नहीं थी। चलिए खैर, बस अब तो आ गई है, लेकिन फिर मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है तो इसकी स्टिकिंग पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर तो दिया है, लेकिन ये जगह जगह से जो है वो उतर रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है, क्योंकि पेपर ही है
पेपर के ऊपर सिंपली इन्होंने फ्रंट साइड पे जो है शीट लगाई हुई है, स्टिकर पेपर है जो पेपर वाले स्टिकर्स आते हैं उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर शीट लगाई है, इवन शीट भी उतर रही थी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे इसके लेकिन मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी की थी, स्टिकिंग पावर नहीं थी, फ्रंट से इसकी शीट भी उतर रही थी। इवन के मैंने जो अपनी वॉल है उसको पहले, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जो इस तरह की स्टिकर शीट्स होती हैं उनके ऑयल या इस तरह डस्ट वगैरह ना हो, मैंने साफ़ किया अच्छे तरीके से अपनी वॉल्स को, सारी वॉल्स को ना मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसके बाद मैंने अटैच करना स्टार्ट किया लेकिन फिर भी इसकी स्टिकिंग पावर नहीं थी। ये रहा, इसके साथ मैंने जो है ग्लू यूज़ की है ताकि अच्छे से थोड़ा बहुत स्टिक रह जाए। मैंने आप देख सकते हैं ये वाली ग्लू यूज़ की है ताकि थोड़ा टाइम चल जाए। तो यहाँ पे करेंगे हम अपना व्लॉग एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं डेली व्लॉगिंग में किस तरह आ सकती हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।